हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फटिस्तान। आज 31st फजर कप कंप्लीट हो चुका है फीमेल का और इंडिया ने दो मेडल यहां पे जीते हैं, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल। तो आप यहां पे मेरे हाथ में देख सकते हैं एक ब्रॉन्ज मेडल। तो आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूं उस एथलीट का जिसने 31st फजर कप में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। बहुत ही टैलेंटेड एथलीट है, इससे पहले भी काफ़ी बार इंडिया का नाम वो रोशन कर चुकी हैं। पहली बार उनका सीनियर एक्सपीरियंस था, इंटरनेशनली डायरेक्ट उन्होंने खेला है और इंडिया को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो मैं बात कर रहा हूँ आज तुषा काकड़िया का। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तुषा, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इंडिया का नाम रोशन किया और हमारे लिए आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। थैंक यू सर। सो कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस था इस फजर कप का? सर मतलब ये मेरा पहला सीनियर में डेब्यू था अभी, तो थोड़ा मतलब ऐसा था कि नहीं मेरा मेडल नहीं आएगा, पर मैं मेंटली मतलब प्रिपेयर होकर आई थी कि कैसे भी करके अच्छा परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, तो मैंने वो किया और इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। सो निकलने से पहले, ईरान आने से पहले आपके कोच पामीर सर और अमन सर ने क्या आपको बताया, क्या आपको गाइड किया कि किस तरीके से आपको खेलना है? सर ने बोला था कि मतलब तुम पहली बार सीनियर खेल रहे हो तो हमारे लिए मेडल इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये हम ये चाहते हैं कि तुम है ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो और एक्सपीरियंस करो कि सीनियर्स में एथलीट कैसे होते हैं, उनका माइंडसेट कैसे होता है, उनका नेचर ऑफ प्ले कैसे होता है और इसकी उससे तुम्हें आगे हेल्प मिलेगा। तो ये सर ने बोला। कितनी टोटल फाइट आपने यहाँ पे खेली? मैंने टोटल 3 मैचेस खेली है। तो चलिए एक एक करके हम आपके जितने भी आपने 3 मैचेस खेले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मैच किसके साथ था और कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सबसे पहला मेरा इंडिया के ही साथ था, अंकिता बाली के साथ। वो मतलब सीनियर खेल चुके हैं बहुत बार और उनको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका नाम भी मैंने बहुत बार सुना है, पर मैं मेंटली प्रिपेयर होकर आई थी कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, तो वो मैंने किया और मैं उनके सामने जीत गई थी। जीत गए थे। सेकेंड मैच किसके साथ था आपका? सेकेंड मैच मेरा ईरान के सामने था और तब ऐसा था कि मतलब हम लोग मैचेस नहीं देख पा रहे थे कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, तो मतलब उनका पैटर्न ही नहीं पता था कि वो लोग कैसा खेल पा रहे, तो फिर हम डायरेक्ट मैच में जाके हमारा खेल रहे थे। तो उसमें मतलब फर्स्ट राउंड में मैं लीड कर रही थी, सेकेंड राउंड में भी मैं लीड कर रही थी, फिर थर्ड राउंड में पॉइंट इक्वल हो गया, पर उसका गमजुम ज़्यादा थे, 7 गमजुम हो गए थे उसके, तो फिर मैंने उसको पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गमजुम से मतलब वो मैच जीत लें। अब हम बात करते हैं आपके सेमीफाइनल की। कैसा एक्सपीरियंस था आपका सेमीफाइनल का? बिकॉज जो आपकी सेमीफाइनल की एथलीट थी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस एथलीट थी, काफ़ी बार यू नो उनके मेडल से, इंटरनेशनल मेडल से, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका आपका सेमीफाइनल? वो एक बहुत स्ट्रांग एथलीट थी, उसका मतलब बहुत सारे उसने सीनियर्स भी खेले हुए और उसका एक्सपोजर्स अच्छा था, तो मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं वो मैच जीत पाऊँ, मैंने स्कोर भी लिए अच्छे खासे, पर मतलब मैं नहीं जीत पाई। सो मेडल के बाद आपने अपने घर पे बात की, कैसा रिएक्शन था, किस तरीके से आपकी फैमिली ने आपसे बात की, क्या विशेष दी आपको? घर पे मतलब सब लोग, मम्मी पापा सब खुश है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सीनियर खेली और मेरा मेडल आया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत अच्छा है, अभी हम और मेहनत करके और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे आगे। आपको आई थिंक जूनियर एशियन में भी ब्रॉन्ज मेडल है, राइट? हाँ। कौन सी ईयर की बात है ये? ये 2019 में जो ओमान में हुआ था 10 जूनियर एशियन चैंपियनशिप, उसमें। ओके, सो अब हम बात करते हैं आपके कोचेस की। मैं बात करता हूँ पामीर सर की और अमन सर की। मेडल के बाद जब आपने उनसे बात की तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला आपको? वो मतलब बहुत खुश थे क्योंकि बोले कि तुम फर्स्ट टाइम सीनियर खेल रहे हो और तुम्हें इतना मतलब अच्छा अचीव किया, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे मतलब एथलीट है जो एक्सपीरियंस है, सीनियर बहुत बार खेल चुके हैं, उनके सामने तू खेली और मतलब अच्छा परफॉर्म किया तूने। नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या आप जो नेक्स्ट चैंपियनशिप है एशियन ओपन है वो खेलने वाले हो? हाँ, मैं एशियन ओपन खेलने वाली हूँ। तो क्या हमें वहाँ पे इस मेडल का जो रंग है वो बदला हुआ दिखेगा? मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मेडल का कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ तुषा, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ फजर ओपन का। पहली बार इन्होंने, जैसा इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया है और इंटरनेशनल डेब्यू करते ही सीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपका जो प्यार है ऐसा ही अपने इंडियन एथलीट के ऊपर बनाए रखिए और इंडिया के और भी एथलीट आपको इसी तरीके से मेडल देते रहेंगे। तो मिलते हैं कुछ और इंडियन एथलीट के साथ और उनका जो एक्सपीरियंस है मैच का वो आपके साथ शेयर करते हैं।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो इंडियन एथलीट है, जो फॉरेन के एथलीट्स हैं, ताइक्वांडो से रिलेटेड जितने भी आपको कंटेंट है वो सारे आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। कुछ बोलना चाहोगे जो भी आपको यहाँ पे लोग देख रहे हैं? ताइक्वांडो मतलब इंडिया में इतना कोई जानता नहीं है, तो आप लोग जो देख रहे हो हमें इतना सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर हम लोग आगे मतलब और इंडिया को मेडल्स इंडिया के लिए मेडल्स लेके आएंगे और ओलंपिक्स में भी इंडिया के लिए मेडल आएगा जरूर। सो यहाँ पे तुषा को आप सबकी तरफ से यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल है मैं ये पहना रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब आपकी तरफ से है। सो आई थिंक आप बेस्ट विशेज है कमेंट में जरूर लिख के बताइए। चलिए जय हिंद जय भारत।